ये कपड़े किसने बनाए? वो देख उधर देख। ओ हेलो, बोल मैंने रेस्क्यू वाली टॉप पहना है, बता दे। बोल बोल दे बेटा। चलो घूमी करने, चलो चलो घूमी करने। तो भाई आज काफी दिन बाद शूट कर रहे हैं, तो भाई ठंड है तो आपको पता ही है हिमाचल में बहुत ठंड हो गई है। तो अभी हम चंडीगढ़ गए थे तो भाई टी शर्ट में चला हुआ है वहाँ पे काम अभी तक। हिमाचल में तो आपको पता है कितनी ठंड है, तो आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ सुबह का। भाई अमेजिंग व्यू है, और आज वैसे भी संडे है तो काफ़ी टाइम बाद लोग शूट हो रहे हैं, तो दिखाता हूँ आपको। और भाई ये है हमारे चंबा की मॉर्निंग की वादियाँ, कुछ ऐसी बहुत शानदार वादियाँ यार। और ये पहाड़ भाई दिल में बसे हुए हमारे। और भाई लोग बोलते हैं कि चंडीगढ़ आके मतलब समझ रहे हो ना कि इंजॉय होता है, फुल इंजॉय होता है, बट भाई अगर हम यहाँ से जाते हैं तो भाई 5-6 दिन तक वहाँ पे बोर हो जाते हैं। और जब अपने हिमाचल आते हैं पहाड़ को देख के भाई खुशी हो जाती है, क्योंकि भाई है ही ऐसे पहाड़ यहाँ के। तो आपको दिखाता हूँ जूम करके वहाँ पर। सोचो अभी तक नवंबर एंड होने वाला है, तो अभी वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है, आपको दिखाता हूँ। रुको, और भाई ये देखो यहाँ पे ना, रुको ब्लर भैया, ये देखो भाई यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है। देखो पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी ये भाई धूप की वजह से थोड़ी सी बहुत पिघल गई है। और वो पीछे देखो, पीछे वाले इधर भी है, देखो भाई। तो भाई हम रेडी हो चुके हैं, प्रांजल दीदी को हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको हम घर छोड़ के जा रहे हैं? तो हर बार ही तो छोड़ जाते घर, गाड़ी तो दूसरी ला रही है, बोर्ड में लिखा हुआ घर। मार्शल कहाँ गया भाई? आजा आजा इधर आ, कम कम बाय 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 माशू बाय। गिरा दिया था अभी, थप्पड़ पड़ेगा एक खींच के। बाय, चलो बाय बाय, तू नहीं जाना, बाय बाय चलना तूने, तो चलो चलो आ जाओ, आजा चल आजा, चलो चलो अंदर। हाय मेरा बच्चा, कौन सा लेना है लैपटॉप? मैंने एप्पल का लैपटॉप लेना है मम्मा। मैंने आपने डाला मम्मा, चलाओ चलाओ मूवी देखनी। अगर ले दिया पापा ने एचपी का लैपटॉप भाई, पापा 32,000 में अपने पाई देंगी ना। हाय पापा 32,000 में अपना पाई देंगी, 770 तू पायो, पर लेना एप्पल ही है, मार्शल परेशान हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हटो पीछे हो जाओ, नो 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 नो। तो भाई मैं तो निकल गया हूँ, क्योंकि मैंने भाई पार्किंग से गाड़ी लेके आनी है। तो गाइस अपनी गैंग यहाँ पे आ चुकी है, वो रहे मम्मा सामने और पापा भी जा रहे हैं साथ में, तो निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई सबसे पहले भरवाते हैं फ्यूल, उसके बाद निकलते हैं। और तुम्हारे भाई का लोगो देखो, इंस्टाग्राम आईडी भाई फॉलो कर लेना भाई। पहले तो दवाई लेते हैं, गले में दर्द हो रही है, ये रही शॉप। तो भाई अभी हम रुके हैं बालू में, और भाई खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो फ्रूट लेके जा रहे हैं। तो वो रही सामने शॉप, तो भाई वो रही सामने शॉप, उधर से फ्रूट लेते हैं। और ये सारी बालू मार्केट है, आपको दिखाता हूँ। और ये ब्रिज नया बना है अभी, पुराना ब्रिज उस साइड था, तो चलते हैं। चले ना बोलो, तो भाई हमने फ्रूट्स ले लिए हैं, तो वो रही अपनी गाड़ी, तो निकलते हैं अब, क्योंकि यहाँ कोई आना है। हमने तो उस साइड ही लगाई थी गाड़ी, फिर तो ऑपोजिट साइड इसलिए नहीं लगाई क्योंकि भाई उधर कोई जाना था, तो उधर लगा दी। तो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दिया है, तो अपनी गैंग चल रही है अब जीजू के घर। ये देखो भाई, भाई साहब ये वादियाँ, ये देखो भाई, भाई यहाँ का व्यू जो है अमेजिंग भाई। वैसे तो मैं बड़ी बार आया हूँ, बट आपको फर्स्ट टाइम बताया। क्या बोलते हो, ये देखो मामू हमारे। चलो
और वो रहा सामने जीजू का घर। ये देखो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। और भाई साहब ये जो पहाड़ दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे घर डालूं मैं सोच रहा हूँ। ये देखो भाई ये वाला, भाई ये वाला एरिया बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि जंगल जंगल सा लग रहा है और ये जो ट्रीज है मतलब बिल्कुल लग रहा है कि जंगल में आ गया हूँ मैं कहीं। और भाई यहाँ के घर देखो कितने प्यारे हैं, और ये वाले घर मेरे को काफ़ी अच्छे लगे यार, क्योंकि इन घरों में सर्दियों में ज़्यादा गर्मी होती है। और बाकी ये वाले पहाड़ देखो, ये पहाड़ पता नहीं कौन से पड़ गए, मैं कौन से पहाड़ आ गया हूँ मेरे को यही नहीं पता भाई। और भाई मतलब यहाँ आके ना मतलब शांति सी मिलती है अपने चंबा में, वैसे तो शांति है ही, बट भाई जो यहाँ आके जो शांति मिलती है, ऐसे पहाड़ दिखते हैं पीछे ग्रीनरी दिखती है तो मतलब दिल खुश हो जाता है। सामने इतनी ग्रीनरी नहीं है बट इन वाले पहाड़ों में बहुत ग्रीनरी है भाई, ये देखो सामने आप। और भाई ये वाला घर कुछ ज़्यादा ही शानदार है, देखो ये वाला अमेजिंग यार। भाई भाई सच्ची बोलूँ तो इन घरों में भाई ज़्यादा मतलब सर्दियों में ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि भाई मेरे को खुद नहीं पता क्या साइंस है इसकी, बट इतना बोल देता हूँ ये जो लकड़ी वाले घर होते हैं मतलब इनमें ज़्यादा, और मिट्टी वाले जो घर होते हैं इनमें ज़्यादा गर्मी रहती है सर्दियों में, और भाई गर्मियों में ये ठंडे भी उतने ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा गर्मियों में गर्म भी नहीं रहते, गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये गर्म रहते हैं। तो भाई जीजू के घर पहुंच चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हमने लंच भी कर लिया बट मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो काम लगने वाला है या तो मैं भाई बहुत गंदा बीमार होने वाला हूँ, मतलब थकावट थकावट सी फील हो रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद जाएंगे वापस घर। तो मार्शल और प्रांजल दीदी घर पे ही हैं, और जीजू और दीदी कल आ गए थे वापस यहाँ पे, और जो अरुण भैया थे वो भी आ गए थे वापस, तो अभी हम उनका हाल चाल पूछने आए हैं। तो बाकी इसके बाद निकलते हैं अब घर, थोड़ा रेस्ट करता हूँ उसके बाद चलेंगे घर। तो भाई सो के उठ गए हैं तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो सामने का व्यू देखो कुछ ऐसा हो रखा है। तो अभी बजे हैं ये देखो, अभी 4 बज गए हैं। तो भाई अपनी स्कूटी भी यहाँ पे है क्योंकि कल जीजू लेके आए थे ना इसलिए। किसने खा लिया कान, किसने खाया कान, किसने खाया कान, किसने खाया कान, खा लिया कान, खा लिया कान, किसने खाया कान मार्शल।